कर्म छिपे नहीं, भभूत लगाए। यहाँ से अमेरिका गए, अमेरिका से इधर आ गए, कर्म पीछा नहीं छोड़ता। आज भी चोर पकड़े जाते हैं ना, 25 साल 50 साल हो गए पकड़े जाते हैं ना, खून किया, खराबी किया, कुछ भी हो गया, ये कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। इसीलिए अपने इसके अंदर अपने को निमित्त नहीं बनना, अपने को बनना है तो शुभ निमित्त बन करके अपने को चलना है और इसी प्रकार से अपने को काम करना है। तो यहाँ पर भी ऐसे पौषध व्रत के अंतर्गत बताया गया, तीसरे दिन के इसके अंदर बता दिया। खाली मैं आपको रोग नहीं बता रहा हूँ, उसका आपको मैं सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ। रोग कौन से आप एक बार सुन लो पहले। सबसे पहले रोग है स्वार्थ का लोलुपता, स्वार्थ लोलुपता, स्वार्थ है कि नहीं मुझे बता दो। दूसरा है सन्निपात, सन्निपात, वात पित्त और कफ तीनों अनबैलेंस हो जाते हैं। तो पहले जाने का जो है, 5 मिनट बैठिएगा, 5 मिनट का काम है, कल्प सूत्र घर पे ले जाने का है। दोनों जगह मैं जाऊंगा, उत्तम जी के यहाँ पर और अशोक जी के यहाँ पर भी, दोनों जगह जाएंगे, दोनों जगह दर्शन कर लेंगे। हाँ, अपने अपने सब पूरे आएंगे दिन। सुनिएगा, अभी इतने टाइम तक थे, अभी बैठो, अभी 5 मिनट बैठो अभी। ना ना ना, 10 मिनट। संतिकरम कि मैं विधि आपको अच्छी तरह से वापस एक बार समझा देता हूं, सुनिएगा। संतिकरम तब की मैं विधि वापस एक बार समझा देता हूं। आज 14 है, 14 प्रतिक्रमण पूर्ण होने के बाद में संतिक्रम अपने बोलते हैं, फिर अविद्या असतम इच्छामिद्रम हो जाता है, उसके बाद में सामायिक पारने के पहले, सामायिक पारने के पहले ओम ह्रीम श्रीम मुनि सुंदर सूरी सद्गुरु भ्यो नमः, क्योंकि इसके कर्ता, संतिक्रम के कर्ता मुनि सुंदर सूरी सो जी महाराजा हैं, तो उनके नाम की एक माला गिनने की है, 108 बार उनका नामस्मरण करना है। ओम ह्रीम श्रीम मुनि सुंदर सूरी सद्गुरु भ्यो नमः, उनकी एक माला गिनने का है। उसके बाद में 7 बार संतिकर्म का पाठ करने का है। कितनी बार करने का है? 7 बार संतिकर्म का पाठ करना, ये विधि की प्रारंभ अवस्था हो गई। मतलब 14 के दिन करने से ये स्टार्टर हो गया। उसके बाद में दूसरे दिन से जो है, ओम ह्रीम श्रीम सब्वा शिव दुरी हरणानम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं नमः का जो है आप 108 बार जाप करना। ओम ह्रीम श्रीम सब्वा शिव दुरी हरणानम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं नमः का 108 बार जाप करना। उसके पूर्व में मुनि सुंदर सूरी सो जी महाराज जी की वापस एक माला तो गिनना ही है। जब भी संतिकर्म का जाप करो, इसके अंदर 2-3 ऑप्शन जो है आमना में बता रहा हूँ। एक तो दूसरे दिन आप मुनि सुंदर सूरी सद्गुरु भ्यो नमः की एक माला गिनो, फिर वापस 7 बार संतिकर्म का जाप करो, 9 बार करो, आपकी अनुकूलता हो तो 27 बार करो, आपकी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। फिर घर के अंदर कोई बीमार हो, नज़र लग गई हो, अपने मारवाड़ में बहुत होता है, नज़र लगती है, टोक लगती है, हवा लग जाती है, क्या क्या हो जाता है, तो उसके लिए आप एक शुद्ध तांबे का लोटा हो, चांदी का ग्लास हो, या जो भी हो, या स्टील का लेकर के उसके अंदर पानी भर दो। पानी भर के उसके ऊपर हाथ रख करके आप जो है 7 बार 9 बार 18 बार 27 बार यही मुनि सुंदर सूरी सद्गुरु भ्यो नमः का जाप करके, 108 बार जाप करके, संतिकर्म इतनी बार बोल करके वो पानी जो है घर के अंदर सबको पिला दो, या तो अपना पीने का पानी का जो मटका रहता है उसके अंदर वो पानी डाल दो, पूरा दिन वही का वही पानी पियो तो भी चलेगा, या तो जिनको तकलीफ है उनको वो पानी पिला देने से भी चल जाता है, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। फिर संतिकर्म की दूसरी तीसरी गाथा 108 बार भी अलग से आप जाप कर सकते हैं। कोई विशेष कारण से आपको करना हो, पूरा संतिकर्म आप जाप नहीं कर सकते हो, आपको लंबा लगता है, तो वहाँ पर दूसरी तीसरी गाथा का जाप 108 बार आप जाप कर सकते हैं। और काउसक करना है तो काउसक यहाँ पर करने के लिए संतिकर्म आराधनार्थम काउसक करो, संतिकर्म स्तोत्र आराधनार्थम काउसक करो के नाम बोल करके, अन्नत्थ आदि बोल के 13 लोगस का काउसक करने का है। कितने लोगस का काउसक करना है? 13 लोगस का काउसक करना है। 13 खमासमना भी देना है, जो अपने रूटीन के अंदर जो खमासमना देते हैं, जो पद ये की कॉमन जो पद है वही कॉमन पद बोल करके 13 खमासना देना, 13 फल रखना।
जब आप 13 दिन की आप साधना करो, संति कर्म के 13 उपवास आते, एक उपवास व्यासना करो, एक उपवास एकासना करो, उस समय जो उपवास के दिन जो है 13 लोगस का कौशक, 13 कमासना, 13 फल, 13 साथियाँ, 13 नैवेद्य आदि करना, रोज रोज करने की कोई जरूरत नहीं है। रोज रोज करना हो तो आप एक फल रख सकते हैं, एक नैवेद्य साथी आदि जैसे अपने मंदिर में करते हैं वैसे उसी प्रकार से कर करके भी आप अपनी ये आराधना कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं। बराबर है, समझ में आ गई सारी बात। अभी रोज की आराधना, 13 दिन की आराधना करनी है तो 13-13 कौशक आदि आपको 13 दिन तक सब करना पड़ेगा। और मंत्र जाप अलग से भी बता दिया है, ओम रीम श्रीम सब्वा शिव दुर्यर्णानम और रीम श्रीम क्लीम ऐम नमः का जाप करने का, इस प्रकार से करने का है। अभी संतिक्रम में बोलता हूँ एक बार और उसी तरह से आप भी बोलते, संतिक्रम जो है पूरा आपने विधिवत गुरु देता हूँ वो उसी हिसाब से बोलिए। संतिक्रम संति जी नाम बोलियो, जगत शरणम जय श्री दाया राम, सम्रामी भत्त पालग निवानी गरुड़ कय सेवा, ओम सनमो विपोसही ओ पवतानम संति सामी पायानम ज्रोम स्वाहा मन्ते नाम सब्वा शिव दुर्यर्णानाम, ओम संति नमुक्कारो खेलो सै माई लब्धि पत्तानाम, सोम ह्रीम नमो सब्वो सही पत्तानम च देहि श्रीम वाणी त्युवन सामिनी श्री देवी जखराय गणिपीडिका गह दिशिपाल सुरिंदा सया विरक्खन्तु जिनवद्दे रक्खन्तु मम रोहिणी पन्नत्ति वज्र श्रृंखलाय सया वज्जांकुशी च केसरी नरदत्ता काली महाकाली गौरी तह गंधारी महाजाला मानवीय वैरुट्टा अच्युत्ता मानसिया महामानसिया उदेवियो जखा गोमो महाजख तिमु जखेशु तुम्बरु कुसुमो मायंग विजय अजिया बंबो मनो सुर कुमारो छमु अपयाल किन्नर गरुड़ो गंधव्वताय जखिंदो कुबर वरुणो भीवूडी गोमे होपासमायंगो देवियो चकेसरी अजिया दुर्यारी काली महाकाली अच्युआ संता जाला सुतारया सोय श्रीवच्छा चंडा विजयम कुसी पन्नैतिनी वाणी अच्युआ धरणी वैरुट्ट चुत्त गंधारी अम्ब पौमा वै सिद्धा यतिथ रखण रया अन्नेवी सुरा सुरिय चौवावी वंतर जोई निपमुआ कुणंतु रखम सया अम्हम एवं सुदीति सुरगण सयो संघस शांति जिन चंदो मज्जवी करे उरकम मुनि सुंदर सूरी थ्व महिमा य शांति नाह सम्मदिट्ठि रखम सरईति कालम जो सब्वो बद्धव रहियो सलहि स्वसंपयं परमं।
तव गच्छ गणय दिवाजिनाय र। ये खाली एक बार पाठ ले लो, बोलने का अपने को तेरा ही गाता है, चौंजी गाता है। तव गच्छ गणय दिवाजिनाय र जुगवर सिरी सोम सुंदर गुरुणाम सुपसयालद्धर विद्या सिद्धि बनईसी सो। इस प्रकार से आप आराधना उपासना करके आत्म कल्याण करें, परिवार के अंदर सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो और अनंत कर्मों की निजरा को प्राप्त करके भवांतर के अंदर मोक्ष सुख के अधिकारी बनो। यही आपके लिए शुभ मंगल कामना, शुभ भावना। हाँ, दोपहर को 2 बजे विशेष प्रकार से एक छोटा सा सेशन रखा गया है, सुनिएगा। दोपहर को ठीक दो बजे एक छोटा सा सेशन रखा गया है। उस सेशन के अंदर आप देखेंगे अभी तक बड़े होने के बाद में मोमबत्ती कैसे पकड़ना, मोमबत्ती हाथ में कैसे पकड़ना वो भी पता नहीं है, कौशक में कैसे बैठना चाहिए वो भी मालूम नहीं है, काउसक के अंदर खड़े कैसे रहना वो भी पता नहीं है, आपका चरौला रहता है कैसे पकड़ना वो भी पता नहीं है, काउसक में कैसे रहना पता नहीं है, मुद्राओं का आपको बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो सारी साकी सारी मुद्राओं को बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, ताकि आपका प्रतिक्रमण शुद्ध हो, भावपूर्वक हो और व्यवस्थित जो अपने यम नियम पूर्वक हो। इसी भावना से दोपहर को सेशन रखा है, साथ साथ में परमात्मा की पूजा, अष्ट प्रकारी पूजा, स्नात्र पूजा में भी कैसे किस प्रकार से करना चाहिए, सवरना चाहिए, ये सारी विधि की बातें जो है, विधि की बातें दोपहर के सेशन के अंदर समझाया जाएगा, बताया जाएगा। हर एक घर का एक एक मेंबर भी यदि आ गया और वो बराबर अच्छी तरह से समझ ले, सीख ले और पूरे परिवार को जा करके बता दे करे, तो भी क्या होगा, अच्छी तरह से जो है पूरा परिवार अपनी क्रिया आ जाएगी। नहीं तो बोलेंगे इतो मोटो हो गया था, अभी चरोल पकड़ो नहीं आवे कि थाने की कहने पकड़ो ठाणी, अभी बच्चे रहते तो क्या करते, चरोला लेते और घोड़े की पूछ की तरह से ऐसे ऐसे करते रहते, घोड़े की पूछ होती है ना ऐसे 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 करते रहते, कोई लेगा तो सीधा ऐसे ही खड़ा रखेगा। हकीकत में कैसे रखने का इसका विधान जो है सन्निपात हो जाता है। सन्निपात मतलब जैसे आपका कार्डियोग्राम होता है ना, एकदम ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होता है ना, वो सन्निपात हो जाता है, उसको सन्निपात बोलते हैं। फिर तीसरा प्रशंसा की वॉमिट, मैंने किया, वॉमिट करते रहते हो ना बार बार। एक सांप भी है ना, वॉमिट किया हुआ नहीं चाकता है, और अपने कितना करते हैं। प्रशंसा की वॉमिट, विकारों का टीबी लगा हुआ है अपने को, और कदाग्र का अजीर्ण है, हमेशा पकड़ के मैं कहता हूँ वही सही, मैं बोलता हूँ वही सही, मैं करूँगा वही सही, तुम कहने वाले कौन होते, तुम बताने वाले कौन होते, तुम सलाह देने वाले कौन होते, वो अजीर्ण है। ये सारे अपने समाज के रोग है, स्वार्थ लोलुपता, सन्निपात, प्रशंसा की वॉमिट, विकारों का टीबी और कदाग्र का अजीर्ण। तो इसकी दवा क्या, फिर दवा ही बताया, सम्यक पाउडर, सत्य, ट्रूथ, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, ये इसका पाउडर है, उसको लिया करो आप। जिन आज्ञा का पालन करो, गुरु आज्ञा का पालन करो, परमात्मा ने बताए हुए सिद्धांत का पालन करो, धर्म का राग जो रखो, धर्म का राग रखो, धर्म क्या, मेरा धर्म मुझे जन्म से मिला हुआ है, चाहे कुछ भी हो जाए उसके लिए मैं जो है हमेशा वफादार रहूंगा, जिन शासन के लिए, संघ के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए उसको अखंड अक्षुण्ण रखूंगा, ये मन के अंदर भाव होना चाहिए। तो धर्म राग का अर्क होना चाहिए, जैसे एसेंस, अर्क मतलब एसेंस होता है, एसेंस कितना हाईली पावर वाला होता है, उसी तरह से धर्म का राग रोम रोम के अंदर होना चाहिए, व्याप्त होना चाहिए, इस प्रकार का होना चाहिए। हे त्याग का सलाट, मतलब हे मतलब छोड़ना, त्याग की मनोवृत्ति चाहिए, खाने में पीने में सब चीज़ों के अंदर छोड़ने का सीखो, लोलुपता से दूर रह जाओ, थोड़ा सा जो भी धन है उसका भी त्याग करो, इस प्रकार से हे त्याग का सलाट ले लीजिएगा। उदारता का ऑयल लगाओ, ताकि जो है अपने उदारता का गुण रखो, यत किंचित जो अपनी शक्ति हो, भक्ति के अनुसार, प्रसन्नता के अनुसार, वो हमेशा उदारता देते रहो। परमार्थ का विचार रखो, हमेशा कल्याण हो, संघ का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, अपने सामने वाले जीव का कल्याण हो, परमार्थ का जो है विचार रखो।
वासना निग्रह रखो, वासना नहीं रखो, मन के अंदर दूषित भाव नहीं रखो, गलत भाव मत रखो, इस प्रकार का होना चाहिए। जिनाज्ञा पिल्स, मतलब परमात्मा की जो आज्ञा है, जिन शासन के अंदर अपनी जो आज्ञा है, परमात्मा ने जो मार्ग बताया उसका मैं यथोचित और अक्षर से मैं उसका पालन करूंगा। वो प्लील्स मतलब टैबलेट्स आप लिया करो, जिनाज्ञा का हमेशा पालन करते रहो, आराधना टैबलेट्स लेता रहो, प्रतिक्रमण सामायिक पौषध आदि क्रिया आदि करते रहो, टैबलेट्स लेते रहो। आराधना वो तो लेते ही नहीं बिल्कुल, फिर ठीक कैसे होंगे मुझे बताओ। डॉक्टर कितना भी बड़ा आ जाए, प्रिस्क्रिप्शन लिख करके दे जाए और बोले दवाई ले लो आप ठीक हो जाओगे, और आप दवाई का प्रिस्क्रिप्शन लेकर के तिजोरी में आप रख दो और एक महीने के बाद में पूछा जाए भाई कैसे हो, हाँ वो आपने बोला वो निकाल करके रोज पढ़ लेता हूँ, तो पढ़ने से आप ठीक हो जाएंगे क्या? खाली सुनने से आप ठीक हो जाएंगे क्या? सुनने से सब जीवन में आ जाएगा क्या? उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? टैबलेट्स लेनी पड़ेगी, दवाई लेनी पड़ेगी, प्रतिक्रमण का लोशन, प्रति लोशन लगाते हैं ना, स्किन डिजीज हो जाए लोशन लगाते, उसी तरह से प्रतिक्रमण कर करके आत्मा के ऊपर पाप न लग जाए उसके लिए आत्मा को स्वच्छ करो, ताकि आत्मा कभी बीमार ना पड़े, उसके लिए प्रतिक्रमण का लोशन लगाने का। तो आज सब आएंगे ना प्रतिक्रमण करने के लिए? अरे 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 गड़बड़, वापस कहाँ बाद में आ गई है? तो प्रायश्चित का मलम, कई बार लोशन से काम नहीं चलता तो स्पेशल मलम भी दिया जाता है, स्किन डिजीज हो जाता है, एक्जिमा हो जाए, खरज हो जाए, दादर हो जाए, कुछ फोड़ा फुंसी हो जाए तो वहाँ मलम लगाना पड़ता है, तो प्रायश्चित लें। कभी 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 गलतियाँ हो जाती तो वो भी करना चाहिए। दोष शुद्धि का इंजेक्शन, जहाँ जहाँ दोष लगे, जहाँ जहाँ गलती हो जाए, फटाक दे करके इंजेक्शन लगा देने का, प्रायश्चित ले लेने का, उपवास कर लो, आयंबिल कर लो, तप कर लो, माला कर लो, जप कर लो, मौन रख दो, कुछ न कुछ प्रायश्चित लिया करो। सद्गुण प्रशंसा का गोल्ड इंजेक्शन लिया करो, हमेशा जो प्रशंसा करो, सबकी अनुमोदना करो, करण करावण अनुमोदन सरका फल निपजावे, हाथ जोड़ कर की बात करो, खूब अनुमोदना, खूब अच्छा कर रहे हो, खूब बढ़िया कर रहे हो, बस ऐसे ही करते रहो, हमें भी ऐसा आशीर्वाद दो, हमें भी हम ऐसा काम करें, ऐसा बस आपका जो है शुभ भाव हमारा जीवन का कल्याण करे, इस प्रकार का मन के अंदर भाव भी रखा करो। इस तरह से जो है औषध व्रत की परुषणा पर्व की अपने को आराधना उपासना कर करके अपने जीवन को धन्य बनाना है और आगे बढ़ना है, नहीं तो फिर यही कहीं जीवन अपना पूरा हो जाएगा। मैंने बताया था मथुरा गए थे, चंदूलाल भी थे, मफतलाल भी थे, चंदूलाल दोनों बैठ करके मथुरा घाट से घूमने गए और घूमने के लिए खाना पचाने के लिए गए और दोरी खुलना भूल गए और पूरा रात जो हसेला मारते रहे और सुबह आवाज़ें उठा रहे आ गया करके घाट आ गया सामने घाट आ गया काशी घाट आया करके तो देखा तो मथुरा का ही घाट था, दोरी खोलना भूल गए थे। यहाँ सब कुछ सुन लो, सब कुछ कर लो, लेकिन राग द्वेष न छोड़ो, अपनी अकड़ता न छोड़ो, जड़ता न छोड़ो, अपनी विचारधारा के अंदर जो है वापस मैं ही सही करके चलोगे तो फिर क्या होगा, जीवन यही कहीं धरा रह जाएगा, ऐसा ना हो जाए, इसका खास अपने को ध्यान रखना। अभी आपको मैं समय दे रहा हूँ, थोड़ा सा संघ का कार्य बाकी है, वो कार्य करने के बाद में संतिकर्म तप का, तब तक मुहूर्त भी आ जाएगा, संतिकर्म तप के जो मंत्र देना है वो भी दे दूंगा और उसकी भी बातें करनी है वो मैं वापस करता हूँ। रोज़ की आराधना करनी हो तो कैसी करनी और उसका तप के साथ में करना हो 13 दिन का तो कैसी आराधना करनी, वो सारी बातें बताऊँगा। एक आज थोड़ा सा रविवार भी है, थोड़ा सा बैठिएगा, थोड़ा सा ठीक है, आओ।